ये देखिए, क्या इसका कोई इलाज है? ये गाय इस वक्त मरने की कगार पर है, ये गाय दम तोड़ने की कगार पे है। हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग बहुत जोरों शोरों से उठा रहे हैं। इस गाय की स्थिति देखिए, हर गौशाला में ये स्थिति है कि हर हफ्ते 2-4 गाय मरनी ही मरनी है। अरे वीडियो मत डालिए, ऐसा मत करिए, आइए बात कर लीजिए। क्या बात कर लें आपसे? आपसे बात करके, आपसे मांडोली करके गौ हत्या मैं अपने सिर पे लूंगा। तो ये 2 महीने पहले ये चूनी चोकर आया हुआ है, 2 महीने पहले का ये चोकर है। अभी देखिए कितना खत्म हुआ है। तमाम गौशाला है, बहुत सारे ऐसे गौशाला है जहाँ पे आए दिन, प्रतिदिन, हर हफ्ते, हर महीने 2-4 गाय मर रही है। मेरा नाम आकाश सिंह है, मैं दी लंका दहन न्यूज से बात कर रहा हूँ। एक अरवासी गांव है आपके कार्य क्षेत्र में, मैं वहाँ की गौशाला पे आया हुआ हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं dilankadehan.com और मैं हूँ आपके साथ आकाश सिंह। इस वक्त मैं प्रयागराज जिले के अरवासी गांव में मौजूद हूँ। अरवासी वही गांव है जहाँ 8 महीने पहले हम आए थे और हमने इस गांव की खबर दिखाई थी, जहाँ पर एक महिला ने प्रधान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आवास दिलवाने के लिए उससे कुछ पैसे लिए हैं। ऐसी तमाम खबरें हमने इस गांव से दिखाई थी। इस वक्त एक बार फिर से मैं इसी गांव में हूँ और इस गांव की गौशाला में मैं आया हुआ हूँ। 8 महीने पहले इस गौशाला की जो स्थिति थी, जो हालात थे, वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। गांव वालों की बहुत शिकायतें आती थी, बहुत शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचाई भी जाती थी। मैं भी आया था, मैंने भी इसका निरीक्षण किया था, तो कुछ ठीक ठाक था नहीं। लेकिन जब मैं इस बार आया हूं तो थोड़े बहुत बदलाव यहां पे देखने को मिल रहे हैं। पहला बदलाव ये देखिए कि यहां पे भूसा की समुचित व्यवस्था, मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं, ये देख लीजिए ठसाठस भूसा भरा हुआ है। गाय कुछ खा भी रही है। छांव के लिए आप देख सकते हैं पत्रानुमा ये पहला बनवा दिया गया है, ये एक फ्रेम में है। और दूसरे फ्रेम में यहाँ देखिए कुछ गाय, कुछ सार यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये अरवासी गांव है जहाँ की मैं स्थिति दिखा रहा हूँ। भूसा की जो मात्रा है वो पर्याप्त है और सब खा रहे हैं, कुछ खड़े भी है यहाँ पे। तो ये स्थिति है अरवासी गांव में, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे गौशाला में विजिट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गायों पर पैनी नजर रखते हैं। जितने सार्थक प्रयास उन्होंने गायों के संवर्धन और संरक्षण के लिए किया, शायद ही कोई मुख्यमंत्री उतना सोचता। लेकिन जो वहां से चलता है गांव तक, अगर उतना पूरा पहुंच जाए तो गांव की स्थिति और हालात बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस वक्त मैं यहां हूं, ये देखिए एक गाय की मैं स्थिति आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, क्या इसका कोई इलाज है? ये गाय इस वक्त मरने की कगार पर है, ये गाय दम तोड़ने की कगार पे है। हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग बहुत जोरों शोरों से उठा रहे हैं। इस गाय की स्थिति देखिए, हर गौशाला में ये स्थिति है कि हर हफ्ते 2-4 गाय मरनी ही मरनी है। किसी भी तरह की व्यवस्था आप देख लीजिए, हालांकि भूसा वगैरह ठीक है। अब क्या पता इनको पता हो कि हम आने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पे ये व्यवस्था आज कर दी गई हो, या फिर ढंग से यहाँ पे नियमित किया जा रहा है, इसके बारे में तो हम तफ्तीश करेंगे। लेकिन इस गाय की हालत बहुत खराब है, बहुत दर्दनाक है। आप देख सकते हैं गाय किस दर्द में जी रही है। बहुत सारा चोट लगा हुआ है, एकदम कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अंतिम चरण चल रहा हो। तो अरवासी गांव में मैं हूं और जो यहां के डॉक्टर हैं, जो यहां देख रेख करते हैं, मैं उन्हें थोड़ा फ़ोन करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि अब तक इस विषय में उन्होंने क्या काम किया हुआ है। प्रदीप सिंह करके इनका नाम आ रहा है, डॉक्टर प्रदीप सिंह करके हैं। फोन उठता है तो हम लोग बात करें इनसे। रिंग बज रही लेकिन। हेलो, डॉक्टर प्रदीप सिंह जी से बात हो रही है? प्रदीप जी, मेरा नाम आकाश सिंह है, मैं दिलंका दहन न्यूज का फाउंडर हूँ। मेरा नाम आकाश सिंह है, मैं दिलंका दहन न्यूज से बात कर रहा हूँ। एक अरवासी गांव है आपके कार्य क्षेत्र में, मैं वहां की गौशाला पे आया हुआ हूं। यहां पे एक गाय है सर, और गाय की स्थिति बहुत खराब है और बहुत दर्दनाक है, एकदम दर्द से कराह और तड़प रही है। तो कब तक आप पहुंच के इलाज करेंगे, क्या उम्मीद करें आपसे? हाँ, अभी तो हम हैं यहां पे ही मौजूद हैं सर, 5 मिनट में आ जाइए ना सर, आ जाइए जी। तो ये दोस्तों देखिए, ये मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ। मैंने उस गाय की हालत आपको दिखाई, वो एकदम आखिरी सांस चल रही उसकी। देखिए, मैं मानता हूँ कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारे समाज के लोग हैं। जब तक दूध निकालना होता है, जब तक दूधों से उन्हें पौष्टिक आहार चाहिए होता है, जब तक उन्हें दूधों से एनर्जी चाहिए होती, तब तक वो गाय को घर पे रखते हैं, उसे खूब अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही फायदा खत्म हो जाता है, वैसे ही या तो ले जाके कहीं बाहर छोड़ देंगे, किसी जंगल में छोड़ देंगे, या अब सबसे आसान काम है कि गाय को 500 रुपए देके किसी गौशाला में छोड़ आइए। कितना रुपए लेते हैं आप लोग यहाँ गाय के लिए? हम लोग नहीं लेते। क्या झूठ बोल रहे हैं आप? सब बताए गाँव वाले,
दादा वो लेते हो हम तो नहीं। दादा रे तो आप मेन आदमी नहीं है ना, तो आप कहाँ से लेंगे? दादा कितना लेते हैं? चौकीदार होते तो बात हो जाता है। अभी आप नहीं बताएंगे हमको, सच तो बता नहीं रहे कि एक गाय को लेके कितना वो करते हैं। तो ये गाय की मैंने स्थिति दिखाई, अभी मैं तफ्तीश करूंगा कि उसकी स्थिति कैसे ठीक हो सकती है। तमाम गौशाला है, बहुत सारे ऐसे गौशाला है जहां पे आए दिन, प्रतिदिन, हर हफ्ते, हर महीने दो चार गाय मर रही हैं और फिर उन्हें गाड़ दिया जा रहा है या फिर किसी तरीके से उनका सफाया कर दिया जा रहा है। कोई डेटा सरकार के पास भेजा नहीं जा रहा है। योगी आदित्यनाथ से मैं अपील करूंगा कि गाँवों, ग्रामीण इलाकों में जितने गौशाला बने हैं पैनी नजर रखी जाए। और सबसे बड़ा काम ये जो ब्लॉक के अधिकारी लोग हैं, जैसे मैं कोई खबर दिखाता हूँ तुरंत सेक्रेटरी का मेरे पास फोन आ जाएगा, अरे वीडियो मत डालिए, ऐसा मत करिए, आइए बात कर लीजिए। क्या बात कर लें आपसे? यहाँ आपसे बात करके, आपसे मांडोली करके गौ हत्या मैं अपने सिर पे लूंगा क्या? या आपकी 2000-5000 से मेरी जिंदगी और मेरी किस्मत सवर जाएगी? तो ये सोचना चाहिए थोड़ा। सबसे प्रधान की तो गलती है ही, सबसे बड़ी गलती उन अधिकारियों की है। जो परसेंटेज का खेल चल रहा है हर ब्लॉक पे ना, वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही घटिया किस्म का है, मैं क्या ही बताऊं। तो ये देखिए इस गौशाला की मैं आपको स्थिति दिखा रहा था। कुछ पॉजिटिव चीज़ें जहां होती हैं हम पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाते हैं। हमारा ये मतलब नहीं है, हमारा ये मतलब नहीं कि हम आपको कोई फालतू चीज़ ही दिखाएं। ये देखिए भूसा यहां पे रखा गया, पर्याप्त मात्रा में भूसा यहां पे है, उपलब्ध है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैं स्थिति आपको दिखा रहा हूं। जो पॉजिटिव चीज़ है मैं उसे पॉजिटिव तरीके से ही आपको दिखा रहा हूं। कोई लाग लपेट हम नहीं करते हैं कि बस खबर दिखाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए हम कोशिश करें। ये समुचित पानी की सुदृढ़ व्यवस्था है, देखिए स्वच्छ पानी है, इस टंकी में भरा गया है, वहाँ पे शायद समरसेबल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए एकदम स्वच्छ पानी है, ठंडा पानी है गायों के लिए। ये एक बहुत बेहतर बात है कि अच्छा पानी, ढंग का, अच्छा क्वालिटी का पानी मिल पाएगा गायों को, क्योंकि गर्मी के वक्त में आप समझते हैं पानी की कितनी ज़रूरत होती है। पानी बहुत ठंडा है और बहुत अच्छा, मैं तारीफ करता हूँ इस बात की, जिस तरीके से पानी की व्यवस्था यहाँ पे करी गई है। टंकी तो कितनी बार हफ्ते में साफ करते हैं आप लोग? टंकी 4 दिन में साफ हो जाते हैं। 3 दिन में टंकी साफ कर देते हैं ना? साफ हो जाते हैं। एकदम बढ़िया स्वच्छ पानी है ये। हाँ, आइए थोड़ा अंदर चलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और ये मैं आ गया हूँ अंदर इस गौशाला के। चूनी चोकर की कोई व्यवस्था है बच्चा यहाँ पे? अच्छा ये क्या रहा? ये चोकर है? कितने दिन पहले आया था? 2 महीने पहले मेरे यहाँ से। आप लोग चलाते वालाते हैं? नहीं चला नहीं। फिर उसमें क्यों नहीं डाला गया? क्यों भैया चला गया भूसा भरने? ये गलत बात है, हम लोग घर आते हैं तो आप लोग चूनी चोकर डालते हैं। तो ये चूनी चोकर शायद दिखाने के लिए है, वैसे डालेंगे नहीं चूनी चोकर, आप भी जानते हैं कि सब डाल ही देंगे तो उनकी जेब में क्या जाएगा। तो ये 2 महीने पहले ये चूनी चोकर आया हुआ है, 2 महीने पहले का ये चोकर है। अभी देखिए कितना खत्म हुआ है। तो ये देखिए इतनी गाय है, ये 2-3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, 2-3 दिन में इतनी गायों में खत्म हो जाना चाहिए। और आप देखिए कितना खत्म हो पाया है इस चोकर की बोरी से। तो ये एक बोरी यहाँ पे रखा गया दिखाने के लिए, कुछ अधिकारी आ जाए वो या फिर कुछ पत्रकार आ जाए उनको दिखाने के लिए कि भैया चूनी चोकर है, ये हर गौशाला की व्यवस्था है। तो ये मैं आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ। आप देखिए अभी ये सब इसका निर्माण चल रहा है। अब अगर सरकार से, सब लोग कह रहे हैं बजट नहीं आ रहा, आप देखिए ना कैसे अपने जेब से कोई बनवा रहा है। योगी आदित्यनाथ जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं गायों के लिए, वो मैं पहले ही कह रहा हूँ कोई कर नहीं सकता है ना गायों के लिए, उतना कोई सोच सकता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं वहाँ से आ रही है वो ढंग से समुचित तरीके से पहुँचे गाँवों में, वो बेहद ज़रूरी है। तो ये मैं चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ।